क्वेश्चन नंबर पांच देखते हैं प्रश्नवली का, विविध प्रश्नवली का। ये प्रश्न कहता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन एफ का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। बच्चों आप प्रश्न को ध्यान से देखें तो ये दिया गया फलन मापांक फलन है, इसको ध्यान रखना है। फलन के जो मानक रूप आप देखे हैं उनको ध्यान लगाना है आपको। तो यहाँ पर f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन जो एक मापांक फलन है ये हमें दिया है। तो सबसे पहले हम प्रांत निकालते हैं और प्रांत की परिभाषा आपको पता है, x के वे सभी मानों का समुच्चय जिससे f ऑफ x परिभाषित हो जाए। अब चूंकि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ध्यान दीजिए बच्चों, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए मॉड ऑफ x माइनस वन निश्चित मान देता है अर्थात परिभाषित है, इसलिए दिए गए फलन f का प्रांत बराबर r, r मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक इसी प्रकार परिसर, चूंकि मापांक फलन सदैव धनात्मक मान देता है इसलिए मॉड ऑफ x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, अर्थात y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, इसलिए दिए गए फलन f का परिसर बराबर क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इंफिनिटी। प्रश्न क्रमांक 6 देखें। ये प्रश्न कहता है मान लीजिए कि f इज इक्वल टू x कॉमा x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू r, r से r में एक फलन है f का परिसर निर्धारित कीजिए। बच्चों ध्यान देंगे f का परिसर निकालने के लिए कहा जा रहा है, आइए हल करते हैं इसको। सबसे पहले नोट कर लेते हैं हमें क्या दिया गया है, फलन किस प्रकार परिभाषित है, r से r में फलन है अर्थात f सच दैट r टेंड्स टू r, तथा f ऑफ x हमको दिया है x स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर जहां एक्स बिलोंग्स टू आर है। अब चूंकि परिसर जो होता है प्रांत एक्स के संगत वाई के सभी मानों का समुच्चय, यहां पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ये दिया गया फलन है। बच्चों मान लेते हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मान रख देते हैं, तब हमें मिलेगा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस समीकरण को हल करके हम x का मान y के पदों में निकालते हैं। बच्चों इसको हम क्या करेंगे, x का मान y के पदों में ज्ञात करेंगे। चलिए ज्ञात करते हैं, देयर एम्प्लाइज y प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देयर एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई, देयर एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, और सरल करने पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन वन माइनस वाई, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई अपॉन वन माइनस वाई। परंतु बच्चों ध्यान दें प्रश्न में x बिलोंग्स टू r, ये प्रश्न में दिया गया है x बिलोंग्स टू r, यानी x क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहां पर रूट ऑफ y अपॉन वन माइनस वाई बिलोंग्स टू r है। बच्चों ये ध्यान रखना है कि रूट ऑफ y अपॉन वन माइनस वाई ये r कब होगा, वास्तविक संख्याएं कब होंगी, तो निश्चित रूप से इसके लिए y अपॉन वन माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ध्यान दे बच्चों यहां पर ये r तब हो सकता है जब वर्गमूल के अंदर जो राशि है y अपॉन वन माइनस वाई इसका मान शून्य या शून्य से बड़ा होना चाहिए। अब y अपॉन वन माइनस वाई ये परमे रूप में है, अब ये शून्य अथवा धनात्मक कब हो सकता है, तो दो स्थितियां हैं, y अपॉन वन माइनस वाई बराबर शून्य और दूसरी स्थिति y अपॉन वन माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो, दो स्थितियां बच्चों।
तो पहली स्थिति ले लेते हैं y अपॉन 1 माइनस y इज इक्वल टू 0। ये कब संभव है, इसका मान 0 कब हो सकता है, जब इसका अंश शून्य हो, अर्थात y इज इक्वल टू 0 हो। और दूसरी तरफ दूसरी स्थिति y अपॉन 1 माइनस y इज ग्रेटर देन 0, ये कब हो सकता है। तो यहां पर दो स्थितियां हैं बच्चों। पहली स्थिति ये हो सकती है जब अंश और हर दोनों शून्य से बड़ा हो, यानी दोनों धनात्मक हो। और दूसरी स्थिति हो सकती है कि अंश और हर दोनों ऋणात्मक हो। तो सबसे पहले हम पहली स्थिति देख लेते हैं बच्चों, जब इसका अंश और हर दोनों धनात्मक हो, अर्थात y इज ग्रेटर देन 0 और 1 माइनस y इज ग्रेटर देन 0। इसको सरल करने पर क्या मिलेगा बच्चों, y इज ग्रेटर देन 0 और y इज लेस देन 1। इसको संख्या रेखा में दर्शाएं, आप स्क्रीन पे देखें बच्चों, ये दो पॉइंट पहले संख्या रेखा पे लें, शून्य और 1, उसके बाद असमीका y इज ग्रेटर देन 0 को दर्शाएं। तो y इज ग्रेटर देन 0 किधर होगा, 0 से राइट साइड। और दूसरी स्थिति y इज लेस देन 1, ये असमीका किसको दर्शाएगा, 1 से लेफ्ट साइड। आपने दोनों स्थितियों को संख्या रेखा पे अंकित किया, एक 0 से ग्रेटर देन यानी 0 से राइट साइड, और दूसरी स्थिति 1 से लेस देन यानी 1 से लेफ्ट साइड। अब हम दोनों को अंकित करने के बाद देखते हैं कि दोनों द्वारा उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा है। तो इसमें उभयनिष्ठ क्षेत्र दिख रहा है 0 और 1 के बीच। क्या मतलब, y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू 1। अब दूसरी स्थिति जहां पर अंश व हर दोनों ऋणात्मक हो, इस स्थिति को लेते हैं। तो अंश और हर दोनों ऋणात्मक हो, अर्थात y इज लेस देन 0 और 1 माइनस y इज लेस देन 0 होना चाहिए। इनको सरल करने पर हमको मिला y इज लेस देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। 1 माइनस y इज लेस देन 0, इस असमीका को हल करोगे, सरल करोगे, तो आपको मिलेगा y इज ग्रेटर देन 1। अब यहां पर दो असमीका मिला, y इज लेस देन 0 और y इज ग्रेटर देन 1। बच्चों स्क्रीन पे देखिए, संख्या रेखा पे पहले दो पॉइंट 0 और 1 का दर्शाएं, फिर असमीका y इज लेस देन 0 यानी 0 से लेफ्ट साइड को अंकित करें, फिर दूसरी असमीका y इज ग्रेटर देन 1 यानी 1 से राइट साइड को अंकित करें, और देखें दोनों असमीका क्या उभयनिष्ठ क्षेत्र रखता है। आप देखें स्पष्ट है, y का कोई भी मान दोनों शर्तों को संतुष्ट नहीं करता, अतः यह स्थिति असंभव है। तो अब आपको केवल दो ही स्थिति दिख रहा है, तीन स्थितियों में से दो स्थिति को संतुष्ट कर रहा है। एक कौन सा, y इज इक्वल टू 0, और दूसरा y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू 1। ये दोनों को यदि हम सम्मिलित करें तो y का मान मिलेगा क्या, y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू 1 और ओपन इंटरवल 1। ध्यान रहे बच्चों, y इज इक्वल टू 0 और y बिलोंग्स टू 0 टू 1 इन ओपन इंटरवल, यदि हम दोनों को सम्मिलित करें तो y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1, यही इसका परिसर होगा, क्योंकि y का मान ही परिसर होता है। तो परिसर बराबर क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1। तो ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है बच्चों, जब हम दिए गए फलन का परिसर ज्ञात करते हैं तो उसको हम अंतराल के रूप में दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, ये विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9। ये प्रश्न है, R इज इक्वल टू क्रमित युग्म A कॉमा B सच दैट A कॉमा B बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तथा A और B में संबंध है A इज इक्वल टू B स्क्वायर द्वारा परिभाषित n से n में एक संबंध R है, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है। इसमें तीन कथन रखा गया बच्चों। पहला कथन है, क्रमित युग्म
ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दूसरा कथन है क्रमित युग्म ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देयर एम्प्लाइज क्रमित युग्म बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। और तीसरा कथन है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देयर एम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। बच्चों यहां पर तीन कथन दिया गया है और इन तीनों कथनों के बारे में हमें बताना है कि क्या यह कथन सत्य है। चलिए हल करते बच्चों। तो सबसे पहले हम प्रश्न में जो दिया गया फलन है उसको लिखते हैं, दिया गया संबंध उसको लिखते हैं। क्या लिखा है देखिए, एन से एन में एक संबंध आर है, तो संबंध आर सच दैट एन टेंड्स टू एन ये दिया है। और आर किस प्रकार परिभाषित है, आर इज इक्वल टू क्रमित युग्म ए बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तथा ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब पहला कथन क्रमित युग्म ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसकी सत्यता की जांच करते हैं। इसके लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं बच्चों। हम सबसे पहले लेते हैं क्रमित युग्म वन वन बिलोंग्स टू आर लेते हैं, वन जो है नेचुरल नंबर है, तो हम पहला क्रमित युग्म वन वन लेते हैं, वन वन बिलोंग्स टू आर। अब यहां पर क्या ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर दिख रहा है, क्या वन इज इक्वल टू वन स्क्वायर, हाँ वन इज इक्वल टू वन स्क्वायर होता है, अतः यह सत्य है। हम एक और उदाहरण लेते हैं, क्रमित युग्म टू टू लेते हैं, टू टू बिलोंग्स टू आर के लिए क्या टू इज इक्वल टू टू स्क्वायर। ध्यान दें बच्चों, क्रमित युग्म टू टू बिलोंग्स टू आर के लिए क्या टू इज इक्वल टू टू स्क्वायर, नहीं। टू इज इक्वल टू टू स्क्वायर का क्या मतलब, क्या टू इज इक्वल टू फोर, नहीं यह सत्य नहीं है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, क्रमित युग्म थ्री थ्री बिलोंग्स टू आर के लिए क्या थ्री इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर, अर्थात क्या थ्री इज इक्वल टू नाइन, नहीं, अर्थात यह सत्य नहीं है। इसी प्रकार से हम और भी उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि क्रमित युग्म वन वन को छोड़कर अन्य क्रमित युग्म जो ए ए प्रकार का है कथन सत्य नहीं है, अतः यह एक संबंध नहीं है। अब हम दूसरा कथन लेते हैं, क्रमित युग्म ए बी बिलोंग्स टू आर देयर एम्प्लाइज क्रमित युग्म बी ए बिलोंग्स टू आर हो सकता है क्या, आइए देखते हैं। इसके लिए भी हम उदाहरण ले लेते हैं, ए और बी ले लेते हैं, ए और बी बिलोंग्स टू एन, मतलब हम कोई दो नेचुरल नंबर यानी दो प्राकृतिक संख्या का चुनाव करते हैं। मान लेते हैं यहां पर समझने के लिए ए बराबर फोर और बी बराबर टू। अब हम चेक करते हैं क्या ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, चेक करते हैं, ए बराबर चार है और बी बराबर दो है, तो क्या चार बराबर दो स्क्वायर, हाँ फोर इज इक्वल टू टू स्क्वायर जो सत्य है। देयर फोर ए बी बिलोंग्स टू आर अर्थात फोर टू बिलोंग्स टू आर। परंतु यदि हम इनके अवयव को आपस में बदले ए बी के स्थान पर बी ए करें तब भी क्या यह सत्य रहता है, देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं, टू कॉमा फोर लेने पर क्या टू इज इक्वल टू फोर स्क्वायर, क्या टू इज इक्वल टू फोर स्क्वायर, अर्थात क्या टू इज इक्वल टू सिक्सटीन, नहीं, अर्थात यह सत्य नहीं है। स्पष्ट है कि ए बी बिलोंग्स टू आर परंतु बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब, अर्थात यह एक संबंध नहीं है। तीसरी स्थिति में देखते हैं, तीसरी स्थिति तीसरा कथन के लिए देखिए इन्होंने क्या बोला है, क्रमित युग्म ए बी बिलोंग्स टू आर कामा क्रमित युग्म बी सी बिलोंग्स टू आर देयर एम्प्लाइज क्रमित युग्म ए सी बिलोंग्स टू आर हो सकता है क्या, ये जांच करना है। तो हम सबसे पहले ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, इसके लिए हम मान लेते हैं ए बराबर 16, बी बराबर 4 और सी बराबर 2। हम ऐसे और भी उदाहरण ले सकते हैं, यहां पर हमने केवल
एक उदाहरण समझने के लिए लिया है, a बराबर 16, b बराबर 4, c बराबर 2। तो सबसे पहले हम 16-4 के लिए देखते हैं, क्या 16-4 बिलोंग्स टू r? हाँ, क्यों? क्योंकि 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, अर्थात 16 बराबर 16, ठीक है। फिर क्या 42 बिलोंग्स टू r? हाँ, 42 बिलोंग्स टू r, क्यों? क्योंकि 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, अर्थात 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर का मतलब 4 इज इक्वल टू 4। अब हमको चेक करना है बच्चों, क्या 16, 2 बिलोंग्स टू r? ध्यान दीजिए, हमको देखना है क्या क्रमित युग्म 16, 2 बिलोंग्स टू r होगा। चलिए, ये संबंध a इज इक्वल टू बी स्क्वायर को संतुष्ट करता है कि नहीं करता, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर को संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, देखते हैं। a यहां पर 16 है और b यहां पर 2 है, तो देखते हैं क्या 16 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर? जी नहीं, जो सत्य नहीं है, 16 बराबर 2 स्क्वायर नहीं हो सकता, अतः यह भी एक संबंध नहीं है। इस प्रकार से हम तीनों कथन के बारे में बता सकते हैं, यहां पर देखने को मिल रहा है दिए गए संबंध के लिए ये तीनों दिया गया कथन सत्य नहीं है, अर्थात यह n से n में संबंध नहीं है।